हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदया साइंस एंड टेक्नो में। तो पिछले क्लास में हम धारा के तापीय प्रभाव के बारे में पढ़े थे, ऊर्जा के बारे में पढ़े थे और शक्ति के बारे में पढ़े थे। साथ ही साथ ये भी देखे थे कि ऊर्जा और शक्ति का व्यापारिक मात्रक क्या होता है, और हमने महीने का बिजली बिल कैसे निकालना है इसका भी एक सवाल किया था। तो आज हमको पढ़ना है घरेलू परिपथ के बारे में। आपके घर में जो वायरिंग हुआ है वो किस तरीके से हुआ है, घर के उपकरण जो है एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, और जो घर में विभवांतर है वो कितना है, ठीक है। तो उससे पहले हमें थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि धारा कितने प्रकार के होते हैं। वैद्युत धारा दो प्रकार का होता है। एक तो होता है प्रत्यावर्ती धारा, जिसको आप एसी बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। एक होता है दिष्ट धारा, जिसको आप डायरेक्ट करंट बोलते हैं, डीसी बोलते हैं। तो इन दोनों में क्या अंतर है, इसको आपको बहुत डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बेसिक आइडिया होना चाहिए जिससे आपको ये पता चले कि आपके घरों में जो कनेक्शन है वो एसी का है कि डीसी का है। आप अपना मोबाइल चलाते हैं तो वो एसी से चल रहा है कि डीसी से चल रहा है? आपका मोबाइल जो चार्जिंग हो रहा है वो एसी से हो रहा है कि डीसी से हो रहा है? तो चलिए देखते हैं बेसिक। एक है प्रत्यावर्ती धारा, इसी को बोलते हैं आप अल्टरनेटिंग करंट, और शॉर्ट में इसको बोल दिया जाता है एसी। एक होता है दिष्ट धारा, जिसको बोलते हैं आप डायरेक्ट करंट, और शॉर्ट में इसको बोल दिया जाता है डीसी, ठीक है। सबसे पहले इन दोनों में अंतर क्या है, तो प्रत्यावर्ती धारा लगातार अपना परिमाण और दिशा परिवर्तित करता है, इसीलिए इसको प्रत्यावर्ती कहते हैं। दिष्ट धारा का दिशा कभी नहीं बदलता है, हालांकि हायर क्लास में आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे 12वीं क्लास में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लीजिए। प्रत्यावर्ती धारा कुछ इस तरीके से दिखेगा कि पहले धनात्मक हो गया, फिर ऋणात्मक हो गया, फिर धनात्मक हो गया, फिर ऋणात्मक हो गया, इस तरीके से लगातार ये अपना दिशा और परिमाण मतलब देखिए, पहले इतना था, फिर बढ़ गया, फिर मैक्सिमम हो गया, फिर कम हो गया, फिर जीरो हो गया, फिर ऋणात्मक में चला गया, तो अपना परिमाण और दिशा लगातार बदल रहा है। जबकि दिष्ट धारा किस तरीके का है, ये देखिए, ये अपना दिशा बदल ही नहीं रहा है, तो इसको बोलेंगे हम एसी और इसको बोलेंगे हम डीसी, ठीक है। क्या ये हमको जनरेटर से प्राप्त होता है, जनित्र से प्राप्त होता है, ये भी हमें जनित्र से प्राप्त हो सकता है, लेकिन आप जितने भी सेल या बैटरी यूज करते हैं सारे के सारे डीसी हैं, ठीक है। इसका स्रोत क्या है, सेल है, बैटरी है, और ध्यान रखिए कि आप हम अभी जब ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हम हर जगह सेल या बैटरी उपयोग किए हैं धारा के लिए। कुल मिलाकर जब तक बोला ना जाए सारे के सारे किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, दिष्ट धारा के बारे में पढ़ रहे हैं, डीसी के बारे में, क्योंकि हमने जितना भी वैद्युत धारा पढ़ा है उसके लिए स्रोत क्या लिया है, या तो सेल लिया है या बैटरी लिया है। इसका मतलब आपका मोबाइल किससे चल रहा है, दिष्ट धारा से चल रहा है, उसमें बैटरी लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन घर के सारे उपकरण आपके एसी से चल रहे हैं, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट या एसी से चल रहे हैं। इसका स्रोत क्या है,
एसी जनित्र, जनित्र मतलब जनरेटर, ठीक है। दूसरा, एसी धारा को संचित नहीं किया जा सकता, जबकि आप देखते हैं कि बैटरी और सेल में हम डीसी धारा को संचित कर सकते हैं, चार्ज करके ले गए बाद में उसका उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो डीसी धारा को संचित किया जा सकता है, सबसे पहले आपको हो सकता है एग्जाम में इन दोनों का क्या पूछे, परिभाषा। तो इसमें लिखेंगे ऐसा धारा जो लगातार अपना परिमाण और दिशा परिवर्तित करते रहता है, ऐसा धारा जो अपना दिशा कभी नहीं बदलता है उसको डीसी कहेंगे। स्रोत क्या है इसका, एसी जनित्र या जनरेटर। स्रोत क्या है, सेल है, बैटरी है, ये सब क्या है, डीसी के स्रोत हैं। तो आप जो है मोबाइल चलाते हैं, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे ऊपर टॉर्च है, ये सब सेल या बैटरी से कनेक्शन ले रहे हैं, मतलब डीसी धारा है। और आप अपने पूरे सब्जेक्ट में डीसी धारा के बारे में जहां पर भी आपने पढ़ा है अभी तक, वो सारे के सारे डीसी धारा के बारे में पढ़ रहे हैं। लेकिन आपके घरों में जो बल्ब लगा है, ठीक है, क्या एसी चल रहा है, कूलर चल रहा है, पंखे चल रहे हैं, टीवी चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, वॉशिंग मशीन चल रहा है, ये सारे के सारे प्रत्यावर्ती धारा से चल रहा है, एसी से चल रहा है, क्योंकि भारत सरकार आपके घरों में एसी का सप्लाई करती है, प्रत्यावर्ती धारा का सप्लाई करती है। इसलिए हम जो सारे उपकरण घर में यूज़ कर रहे हैं वो सारे के सारे एसी उपकरण के, एसी धारा के लिए बनाए गए हैं। उसमें स्पष्ट लिखा रहेगा कि ये एसी धारा के लिए बना हुआ है, ठीक है। तो एसी धारा को संचित नहीं किया जा सकता, संचित किया जा सकता अगर तो आपको लाइट जाने की प्रॉब्लम ही नहीं होती, ठीक है। फिर आप कहेंगे सर हमारे घर में तो इन्वर्टर लगा है, तो इन्वर्टर जो है वो धारा को संचित करता है दिष्ट धारा के रूप में, बाद में उसको एसी में बदल के सप्लाई करता है, क्योंकि घर के उपकरण किसके लिए बने हैं, एसी के लिए। ध्यान रखेंगे जो आपके घर के इन्वर्टर है वो धारा संचित करता है डीसी के रूप में और उसको एसी में बदल के बाद में भेजता है, इसलिए आप उसका उपयोग कर पाते हैं, ठीक है। और एक आध इसमें डिफरेंस पूछा जाए कि क्या अंतर है, तो हम लिख सकते हैं एसी धारा को लंबी दूरी भेजा जा सकता है डीसी धारा को लंबी दूरी नहीं भेज सकते। क्यों नहीं भेज सकते, भारी मात्रा में ऊर्जा का नुकसान होता है, भारी मात्रा में ऊर्जा का क्षय होता है, ठीक है। इसलिए भारत सरकार हमको क्या भेजती है, प्रत्यावर्ती धारा भेजती है। क्लास 10 के हिसाब से एसी और डीसी के बारे में इतना जानकारी मोर देन सफिशियंट है, अगर आप इतना जानते हैं बहुत है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे घरेलू परिपथ के बारे में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हम हमारे घरेलू परिपथ में। घरेलू वैद्युत परिपथ, आपके घर में कनेक्शन किस तरीके से किया गया है, उससे पहले हम जो खंभे से तार लेके आते हैं, उनके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। अब देखिए कोई भी स्विच को देखेंगे आप तो उनमें तीन होल होता है, दो बराबर साइज के और एक
बड़ा साइज का, एक बड़ा साइज का, ठीक है। ये तीन होल आपको देखने को मिलेंगे, इसी में आप प्लग लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए, इनमें से एक तार, इसको विद्युतमय तार कहते हैं, विद्युतमय तार या जीवित तार, ठीक है। और सामान्य भाषा में इसी को क्या बोल दिया जाता है, फेस बोल दिया जाता है, ठीक है। ये है उदासीन तार, उदासीन तार जिसको आप न्यूट्रल कह देते हैं, और ये है भू संपर्क तार जिसको आप अर्थिंग कह देते हैं, ठीक है, या इसी को भूतार भी कह देते हैं, भूतार। नियमानुसार विद्युतमय तार, जीवित तार या फेज का रंग लाल होता है, इसका रंग काला होता है, उदासीन का रंग काला होता है, और भूतार का रंग हरा होता है। भारत सरकार जो आपको एसी भेजती है, क्योंकि घरेलू परिपथ में पूरा कौन यूज हुआ है, एसी यूज हुआ है, एसी धारा यूज हुआ है। भारत सरकार जो आपको एसी भेजती है उसमें जीवित तार और भू संपर्क उदासीन तार, इन दोनों बीच का जो विभवांतर है वो है 220 वोल्ट। इसका मतलब हमारे घर के सारे उपकरण 220 वोल्ट के लिए बनाए जाते हैं। आप जो भी सामान खरीद के लाएंगे, बल्ब में लिखा रहेगा एसी के लिए बना है 220 वोल्ट, ट्यूबलाइट खरीद के लाएंगे एसी के लिए बना है 220 वोल्ट, फ्रिज खरीद के लाएंगे एसी के लिए बना है 220 वोल्ट, सब में स्पेसिफिकेशन यही लिखा रहेगा कि ये एसी के लिए है और 220 वोल्ट के लिए है, क्योंकि भारत सरकार हमको 220 वोल्ट का ही 220 वोल्ट विभवांतर वाले एसी भेजती है, ठीक है। तो भारत सरकार के हिसाब से अगर हम देखें, भारत सरकार के हिसाब से अब देखें तो क्या भेजती है, एसी भेजती है जिसका विभवांतर 220 वोल्ट होता है, ठीक है, जिसका आवृत्ति 50 हर्ट्ज होता है, ठीक है। आवृत्ति कितना होता है, 50 हर्ट्ज, जिसको एच जेड से दिखाया जाता है। आवृत्ति क्या होती है अगर आपको नहीं पता, तो आवृत्ति होती है 1/ आवर्तकाल। आवर्तकाल आपको अगर नहीं पता तो देखिए, एसी जो है इस तरीके से बनाए थे हम, तो इतने को एक धनात्मक और एक ऋणात्मक को एक चक्र कहेंगे, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक को कहेंगे, एसी का एक चक्र है। एसी एक चक्र में जितना समय लगाती है, एसी एक चक्र में जितना समय लगाती है, इसी को कहेंगे आवर्तकाल, इसी को कहेंगे आवर्तकाल, और आवर्तकाल के व्युत्क्रम को कहते हैं आवृत्ति, ठीक है। तो भारत सरकार हमको जो भेजती है वो 50 हर्ट्ज का आवृत्ति है, तो आवर्तकाल कितने का होगा, देखिए, तो मैं आवर्तकाल इक्वल टू, आवर्तकाल बराबर 1/ आवृत्ति लिख सकता हूँ, और 1/50, ठीक है क्या। तो आवर्तकाल जो है कितना है, 1/50 सेकंड। भारत सरकार जो हमको एसी भेजती है उसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और आवर्तकाल 1/50 सेकंड है, मतलब यहाँ से एक चक्र पूरा करने में 1/50 सेकंड ये लगाएगी, ठीक है क्या। यहाँ पर आप अब
क्या होगा, आवृत्ति हो गया 50 हर्ट्ज, आवृत्ति यहाँ 50 लिखे, आवर्तकाल को इधर ला लिया, आवर्तकाल बराबर 1/ आवृत्ति, आवृत्ति है 50, तो 1/50 सेकेंड आवर्तकाल हो गया। तो ये भारत सरकार हमको भेजती है। आपको केवल दो चीज ध्यान रखना है, विभवांतर 220 वोल्ट, आवृत्ति 50 हर्ट्ज, इतने से आपका काम चल जाएगा और भारत सरकार हमको एसी भेजती है, ठीक है। तो ये तीन तार आप देखे हैं, विद्युतमय तार, जीवित तार जिसको फेज बोलते हैं लाल रंग का होता है, उदासीन तार जिसको न्यूट्रल कहते हैं काले रंग का होता है, भू संपर्क तार या भू ताप जिसको अर्थिंग कह देते हैं ये हरा रंग का होता है, और विद्युतमय तार और उदासीन तार के बीच जो विभवांतर है 220 वोल्ट होता है, भारत सरकार हमको यही भेजती है। अब इसमें आपको क्या क्या चीज जानना है, उसमें ध्यान रखेंगे कि आपको ये पता होना चाहिए भू संपर्क तार क्या होता है। तो एक काम करिए, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए अब भू संपर्क तार क्यों यूज किया गया, अब भू संपर्क तार नहीं होता तो क्या होता, घरेलू पथ में परिपथ में आपको चार चीज पढ़ना है। पहला, अच्छा उससे पहले आपको भू संपर्क तार भी बता देता हूं। देखिए भू संपर्क तार क्या होता है, मान ले जाइए भू संपर्क तार है, भू तार है, यहां से कनेक्शन लेके इसको सीधा तांबे प्लेट में लपेट के, है ना, सीधा पृथ्वी में गाड़ दिया गया है, ठीक है, यह है भू संपर्क तार। पृथ्वी का, जमीन का, अर्थ का जो धारा अवशोषित करने की क्षमता है वो अनंत है, कितना भी धारा उसको दे दो सबको ले लेगा। चूंकि इसका क्षमता अधिक है, इस परिपथ का जो प्रतिरोध है बहुत कम है, इस परिपथ का जो प्रतिरोध है बहुत कम है, बहुत आसानी से करंट यहां से जा सकता है। भूतार हमें वैद्युत शॉक से बचाता है, भूतार हमें वैद्युत शॉक से बचाता है, इलेक्ट्रिक शॉक जो है उससे हमें करंट लगने से बचाता है। इसलिए बोला जाता है कि जितने उपकरण हैं जिसको आप किसी न किसी तरीके से कभी न कभी टच कर सकते हैं, उन सब में भूतार लगाना चाहिए। अब देखिए कैसे क्या होगा, मान लिया जाए ये कूलर है, मान लेते हैं एक कूलर है, और इसमें भू तार नहीं लगा है, केवल दो ही तार आए हैं, यहां पर इसका बोर्ड लगा है, यहां पर ये जीवित तार है या विद्युतमय तार है, और यहां पर उदासीन है, यही दोनों तार आए हैं। उदासीन को डायरेक्ट छूने से कोई भी करंट नहीं लगता है, लेकिन जीवित तार को डायरेक्ट छू देंगे तो मजा ही आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद आप दोबारा छूने के लायक नहीं रहेंगे, इसलिए ध्यान रखेंगे। अब सोचिए ये धातु का बना हुआ है जिसमें धारा प्रवाहित हो सकता है, ये जीवित तार का एकाध छोटा मोटा तार अगर कूलर के बॉडी से टच हो गया, जीवित तार का एकाध तार छूट के किसमें टच हो गया, धातु के बॉडी में टच हो गया, मेटल बॉडी है कूलर का, टच हो गया। अब उसी समय कोई व्यक्ति इसको छू दिया, इसका खेल हो जाएगा खत्म, क्योंकि धारा अब इसमें पूरा बॉडी में आ चुका है, धारा इससे जाएगा और इसका खेल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जबरदस्त शॉक लगेगा, हो सकता है मर भी जाए, ठीक है, तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। अब हम देखते हैं कि ये भूतार कैसे काम करता है। अगर इसमें भूतार भी आया रहता, मान ले जाए इसमें
भूतार भी आया रहता। ये दो तो आए हैं और भूतार भी आया रहता। भूतार हमेशा बॉडी से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। और ये भूतार अंततः कहाँ गया है? पृथ्वी में। अब मेटल का एकाध यहां जीवित तार का टच हो गया, जीवित तार टच हो गया, इसमें क्या आ गया? धारा आ गया, इसमें धारा आ गया, और ये कनेक्टेड है किससे? अर्थिंग से। तो धारा जो है यहां से कहां चला जाएगा? पृथ्वी में चला जाएगा। अब मान लिया जाए उस समय भी ये व्यक्ति छू दिया, अब इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, अब ये व्यक्ति छू दिया, तो ये धारा के पास दो रास्ते हैं, इस धारा के पास दो रास्ते हैं, या तो वो पृथ्वी में चला जाए, या तो इस व्यक्ति को शॉक दे, ठीक है, या तो पृथ्वी में चला जाए, या तो व्यक्ति को शॉक दे। लेकिन हम क्या पढ़े हैं? भूतार वाले परिपथ का प्रतिरोध बहुत कम होता है, और मैं पिछले क्लास में बता चुका हूं कि वैद्युत धारा ऐसे पथ का चयन करती है जिसका प्रतिरोध कम हो। तो मैक्सिमम जो करंट है, मैक्सिमम धारा है, पृथ्वी में चले गए और बहुत कम मात्रा में इसको लगा, जिससे इसको कोई भी नुकसान नहीं होगा। ये छू के देखा, हल्का झुनझुनाहट टाइप का लगा कि हाँ करंट तो है, समझ रहे हैं क्या? लेकिन इसके प्राण को कोई भी खतरा नहीं है। इसलिए बोला जाता है कि हर एक उपकरण में जरूर भूतार लगाना चाहिए। तो दो रास्ते हैं इस करंट के पास, एक तो ये पृथ्वी में चला जाए अर्थिंग के थ्रू, या इस व्यक्ति को शॉक दे। व्यक्ति के हमारे बॉडी का जो प्रतिरोध है बहुत ज़्यादा होता है, 10,000 ओम होता है, ठीक है क्या? बहुत ज़्यादा होता है, जिसके वजह से क्या होता है कि यहाँ बहुत कम धारा जाएगा और मैक्सिमम धारा जो है वो पूरा पूरा पृथ्वी में चला गया। इस तरीके से हमें वैद्युत शॉक से बचा लिया। तो इसको बोलते हैं कि भूतार हमें वैद्युत शॉक से बचाता है, ठीक है। चलिए अब भूतार के बाद आगे देखते हैं। दूसरा है आपका अतिभारण। जिसको सामान्य भाषा में आप इंग्लिश में बोल देते हैं ओवरलोडिंग, ठीक है। जब एक साथ बहुत सारे वैद्युत उपकरण उपयोग में लाए जाते हैं, तब भारी मात्रा में धारा प्रवाह होता है। अब ज्यादा मात्रा में धारा प्रवाह हुआ तो ज्यादा मात्रा में उसमें उत्पन्न नहीं होगा, फलस्वरूप अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होता है, जिससे तार के बाहरी आवरण के पिघलने का खतरा होता है। इसको बोलते हैं ओवरलोडिंग। जब एक साथ बहुत सारे वैद्युत उपकरण उपयोग में लाए जाते हैं तब भारी मात्रा में धारा प्रवाह होता है। जब भारी मात्रा में धारा प्रवाह होगा तो भारी मात्रा में क्या होगा? ऊष्मा भी उत्पन्न होगा। जब ऊष्मा उत्पन्न होगा तो तार एकदम गर्म हो जाएगा। तार एकदम गर्म हो जाएगा तो तार के ऊपर हम क्या लगाए हैं? बाहरी आवरण लगाए हैं ताकि हमें कभी करेंट ना लगे। तो उसके बाहरी आवरण के जलने का क्या होता है? पिघलने का खतरा होता है। इसको बोलते हैं ओवरलोडिंग। एक होता है लघु पथन। जिसको आप बोलते हैं शॉर्ट सर्किट।
शॉर्ट सर्किट, लघु पतन। क्या होता है, किन्हीं भी कारणों से अगर जीवित तार और उदासीन तार, जीवित तार उदासीन तार एक दूसरे के संपर्क में अगर आ गए, तो परिपथ का जो प्रतिरोध है वो लगभग लगभग शून्य हो जाता है। और जब प्रतिरोध शून्य तो करंट बहुत ज्यादा, समझे ना। देखिए इधर, जब हम देखेंगे कि V इक्वल टू आई आर है, तो V बटे R बराबर I हो जाएगा। अगर मैं प्रतिरोध को शून्य कर दूंगा तो कुछ भी डिवाइडेड बाई जीरो अनंत होता है, कुछ भी डिवाइडेड बाई जीरो अनंत होता है अगर प्रतिरोध शून्य हो गया, है ना। जैसे कि आप जानते हैं जीरो बटे एक बराबर जीरो, एक बटे जीरो बराबर अनंत। तो कुछ भी डिवाइडेड बाई जीरो हो गया तो उसका मान होता है अनंत। इसका मतलब करेंट कितना हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। करेंट जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा पूरा परिपथ को जला के राख कर देगा, ठीक है। तो देखिए, जब किन्हीं कारणों से विद्युतमय तार और उदासीन तार एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं, तब परिपथ का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। फलस्वरूप भारी मात्रा में धारा प्रवाह होता है जो भारी मात्रा में ही ऊष्मा उत्पन्न करता है। जिससे आग लगने का खतरा होता है। ठीक है, क्या हुआ, जबकि ही कारणों से, तो किन कारणों से, उसका एक कारण यह भी हो सकता है। मान लीजिए ओवरलोडिंग बहुत ज्यादा हो गया, उसमें बहुत हुआ, तार का बाहरी आवरण पिघल गया। अब तार का जब बाहरी आवरण पिघल गया है तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे के संपर्क में आना बड़ा आम बात है, ठीक है। तो जब किन्हीं कारणों से विद्युतमय तार और उदासीन तार एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं, तब परिपथ का प्रतिरोध शून्य, जब प्रतिरोध शून्य तो धारा बहुत ज्यादा, धारा फलस्वरूप भारी मात्रा में धारा प्रवाह होता है जो भारी मात्रा में उष्मा उत्पन्न करता है जिससे आग लगने का खतरा होता है। तो ये है आपका लघु पतन यानी कि शॉर्ट सर्किटिंग, ठीक है। स्क्रीन शॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं विद्युत फ्यूज के बारे में। चीनी मिट्टी का आप विद्युत फ्यूज देखते हैं, पुराने घरों में लगा भी होगा। इन दोनों के बीच ऐसे तार लगा होता है, ठीक है। क्या इसी को बोलते हैं फ्यूज तार। घर में जो वायरिंग हुआ है इस तार को उससे पतला रखा जाएगा, ताकि अगर ये सबसे पहले तो क्यों यूज किया जाता है, तो सबसे पहले तो अति भारण और शॉर्ट सर्किट के दुष्प्रभावों से
बचने के लिए विद्युत फ्यूज उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, अतिभारण और शॉर्ट सर्किट के दुष्प्रभाव से बचने के लिए विद्युत फ्यूज उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, क्या होगा अगर तार गर्म हुआ तो ये फ्यूज तार जो है सबसे पहले पिघल जाएगा, क्योंकि बाकी तार से इसको पतला रखे हैं। ठीक है, क्या हम फ्यूज तार ऐसे उपयोग करते हैं जिसका प्रतिरोध अधिक हो और जिसका गलनांक कम हो। फ्यूज तार ऐसे उपयोग करेंगे जिसका प्रतिरोध अधिक हो, मतलब बाकी तार के मुकाबले ये पहले गर्म हो जाए, और जिसका गलनांक कम हो ताकि तुरंत गल के ये टूट जाए, और ये टूट जाएगा तो पूरा परिपथ बंद हो जाएगा और हमारे उपकरण जिस समय वोल्टेज हाई होगा उस समय हमारे उपकरण खराब होने से बच जाएंगे, क्योंकि उतना वोल्टेज बढ़ने से पहले ही ये क्या हो जाएगा, फ्यूज तार टूट के ख़त्म हो जाएगा। ये इसका जो डेजिग्नेशन होता है, मार्केट में जैसे जाएंगे पूछेंगे कि हमको विद्युत फ्यूज दीजिए, तो पूछेगा कितने एम्पियर का दूँ, एक एम्पियर, दो एम्पियर, तीन एम्पियर, तो वही धारा को वो सह सकता है, उससे ज़्यादा अगर होगा तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ज़्यादा धारा हम अपने घर में बहने ही नहीं देंगे, उससे पहले पिघल के टूट जाएगा। लेकिन आपको बता चुका हूँ, अच्छा ये पिघल के टूट जाएगा तो हम इसमें जो फ्यूज तार लगाएंगे, अगर मोटा वायर लगा दिए, घर के जो वायर लगे उनसे मोटा लगा दिए, तो घर के सारे उपकरण तो खत्म हो जाएंगे, ये अभी तक नहीं टूटा रहेगा तो इसका उपयोग ही क्या हुआ। तो हम फ्यूज तार को हमेशा कमजोर रखेंगे, बाकी तार के मुकाबले कमजोर, ताकि सबसे पहले यही गर्म होके ये टूट जाए। प्रतिरोध अधिक होना चाहिए ताकि ज़्यादा गर्म हो, बाकी तार के मुकाबले ज़्यादा गर्म ये खुद हो जाए, और गलनांक कम हो क्योंकि बाकी वायर के कुछ होने से पहले ये, तो ये जब टूट जाएगा तो हमारा सर्किट कैसा हो जाएगा, खुला हो जाएगा, कनेक्शन टूट जाएगा और घर के पूरे लाइट जो है उपकरण है अपने आप बंद हो जाएंगे और वो खराब होने से भी बच जाएंगे। ध्यान रखेंगे कि घरेलू परिपथ के साथ, घरेलू परिपथ के साथ फ्यूज तार को, विद्युत फ्यूज को, विद्युत फ्यूज को श्रेणी में लगाया जाता है, श्रेणी में लगाया जाता है। ठीक है, हम यहाँ पर देखो समझने के लिए मान लेते हैं कि ये हमारा पूरा घर के बहुत सारे उपकरण हैं, घर के बहुत सारे उपकरण हैं। अब सारे उपकरण को हम प्रतिरोध से दिखा देते हैं समझने के लिए। उसके साथ ये विद्युत फ्यूज है, अगर ये टूटा देखो ये दोनों सीरीज में हैं, श्रेणी में हैं। घर के सारे उपकरण आपस में समांतर में हैं, ये सब आपस में समांतर में हैं, घर के सारे उपकरण आपस में समांतर में लगे होते हैं और इनके साथ विद्युत फ्यूज श्रेणी में लगा होता है, समांतर में लगा है। इसका मतलब आप मान ले जाए इसको बंद कर दो तो ये दोनों चालू रहेगा, इसको बंद कर लो तो ये चालू रहेगा, इसको बंद कर लो ये दोनों चालू रहेंगे। ठीक है, यहाँ से एक जीवित तार गया है, यहाँ से एक उदासीन तार गया है, सबको जीवित उदासीन, जीवित उदासीन, जीवित उदासीन मिला है, सब चल रहे हैं आपस में। लेकिन ऐसा नहीं है, इसको बंद कर देंगे तो ये दोनों चलते रहेगा। समांतर में होने का मतलब है सबको अलग अलग चालू बंद किया जा सकता है, समांतर में होने का मतलब है सबको अलग अलग चालू बंद किया जा सकता है। श्रेणी में आप अगर एक को बंद करेंगे तो सभी बंद हो जाएगा। मान ले जाए इन सारे को मैं श्रेणी में रख देता, ये श्रेणी में है, अगर मैं एक को भी बंद कर दूंगा तो आगे तो चलेगा नहीं। इसलिए क्या बोला जाता है कि दिवालियों में जो हम लड़ी लगाते हैं लाइट का, वो सारे के सारे एक साथ चालू एक साथ बंद होते हैं, उनमें से अगर एक बल्ब भी खराब हो जाए तो बाकी बल्ब काम नहीं करेगा।
ठीक है, तो श्रेणी में क्या होता है, सबको अलग अलग चालू बंद नहीं कर सकते, तो घर के अंदर हमारे जितने उपकरण हैं सारे के सारे समांतर में लगे हुए हैं, सबको हम अलग अलग चालू बंद कर सकते हैं, और इनके साथ जो वैद्युत फ्यूज है वो श्रेणी में लगा है, ताकि इसको बंद कर देंगे तो ये पूरा बंद हो जाएगा, और हम यही चाहते हैं कि घर के सारे उपकरण खराब होने से बच जाए जिस समय वोल्टेज का ड्रॉप हो या वोल्टेज कम ज़्यादा हो। ठीक है, तो घरेलू परिपथ के साथ वैद्युत फ्यूज को श्रेणी में लगाया जाता है, जबकि घर के सारे उपकरण आपस में समांतर में होते हैं, है ना। यहाँ एक बार और लिख लेना, घर के सारे उपकरण आपस में समांतर में लगे होते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको एक घरेलू परिपथ का छोटा सा डायग्राम भी बता देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। हमने घरेलू परिपथ का डायग्राम आप कैसे बहुत सिंपल तरीके से कैसे बनाएंगे, देखिए खंभे से हमको दो तार मिला, एक विद्युतमय तार और एक उदासीन तार, और दोनों के बीच का विभवांतर 220 वोल्ट है। ठीक है, हमने ये अब हम देखिए यह है खंबा, खंभे का विद्युत फ्यूज है ये। देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि विद्युत फ्यूज कौन से तार में लगाया जाता है, उदासीन की विद्युत में, तो जिसमें विद्युत है। ठीक है, विद्युत में तार में विद्युत है जो कि शॉक दे सकता है, तो इसमें लगाएंगे हम किसको, फ्यूज को। फिर हम इसको लाए हैं विद्युत मापी में, यहाँ हम मेजर करेंगे कि सही में 220 से 240 है कि नहीं, विद्युत मीटर बोल दे या मापी बोल दे, विद्युत मीटर में। ठीक है, क्या उसके बाद आए आप मेन स्विच में, मेन स्विच जिसमें अलग अलग परिपथ के लिए देखो, अलग अलग परिपथ के लिए अलग अलग फेज है, मतलब एक ही फेज को अलग अलग भाग में बांट दिया है कि ये इस कमरे में जाएगा, ये वाला इस कमरे में जाएगा, ये वाला इस कमरे में जाएगा, तो अलग अलग परिपथ है, तो एक ही विद्युत में तार को तीन अलग अलग भागों में बांट दिया गया है, तीन भाग चार भाग, मतलब ये जो विद्युत में तार है वो इसमें भी लगा हुआ है, वही तार इसमें भी चला गया है, वही तार इसमें भी चला गया है, और ये उदासीन वैसी तीन चार तार निकालिए कि अलग अलग रास्तों के लिए, यहाँ सेक लेंगे, 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 इस तरीके से अलग अलग कमरों के अलग अलग जगह के लिए। अब क्या करेंगे, हम एक कमरा लेके बनाते हैं, तो हम मान ले जाए एक कमरा लेके बनाते हैं, एक कमरा, तो हमने क्या किया, देखिए इस कमरे में एक कनेक्शन लिया हमने किससे, विद्युतमय तार से, और एक कनेक्शन लिया किससे, उदासीन से। अब ये उदासीन इधर चला गया और विद्युतमय तार इधर चला गया, और इन दोनों बीच का विभवांतर कितना है, 220 वोल्ट। अब यहाँ बहुत सारे बोर्ड लगे हुए हैं ताकि जहाँ से हम अपने उपकरण कनेक्शन कर सकें, बोर्ड को हम इस तरीके से दिखा दिए, एक ऐसे ऐसे यहाँ से कनेक्शन ले सकते हैं, दूसरा बोर्ड लगा दिए ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ स्विच लगा कनेक्शन ले लिए, तीसरा बोर्ड लगा दिए ऐसे ऐसे ऐसे। अब देखिए सबको एक तरफ उदासीन, एक तरफ क्या मिला है, 200 विद्युत मेहता, तो ये सब
यहाँ से कनेक्शन ले सकते हैं, यहाँ से कनेक्शन ले सकते हैं, यहाँ से। ये देखिए घर के सारे उपकरण जो आप चलाएंगे अब इसमें इसका उपयोग करके, वो सारे के सारे किस में कनेक्टेड होगा? समांतर में होगा। इसको बंद कर दो कोई बात नहीं, ये दोनों चलते रहेंगे, ठीक है क्या? अब देखिए इन सब में विद्युत में तारा उदासीन तो हो गया, लेकिन कहीं पर आपने भू संपर्क तार नहीं लगाया। इन सब में लाइन से भू संपर्क तार लगा दो, यहां से चलाओ। इसमें लिख देते हैं कि ये भू तार है, ठीक है, यहां भी कनेक्ट कर दो, इसमें भी कनेक्ट कर दो, और इसमें भी कनेक्ट कर दो, इसमें कनेक्ट कर दो, इसमें कनेक्ट कर दो, और इसमें भी कनेक्ट कर दो। सब में भू तार दे दिए हैं ताकि किसी भी प्रकार के दुर्घटना से बचा जा सके। तो बड़ा आसानी से आप क्या बना सकते हैं, यही घर, जब आपके एग्जाम में बोला जाए कि घरेलू परिपथ का घरेलू परिपथ का लाइन डायग्राम बनाइए, सर्किट डायग्राम बनाइए, ठीक है, तो आप इस तरीके से बड़ा आसानी से जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप बनाए हैं वैसे ही बना सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका पूरा पूरा टॉपिक जो होता है ख़त्म होता है, ठीक है। लेकिन ये अंत नहीं है, अंत नहीं है कहने का मतलब है कि इसके बाद और वीडियो आएगा जिसमें आपको बहुत तरीके के, तुरंत तो नहीं आएगा लेकिन थोड़ा समय बाद जोर आएगा, जिसमें ये आपका थ्योरी पोर्शन पूरा ख़त्म हो चुका है। अब आपके आते हैं सवाल के न्यूमेरिकल से, तो न्यूमेरिकल कितने टाइप के बन सकते हैं, चाहे वो कितने सरल से सरल हो, चाहे कितना घुमावदार हो। कठिन तो कुछ नहीं होता है, हो सकता है ये थोड़ा ट्रिकी हो या घुमावदार हो, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना के आपको ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करा दूंगा। गारंटी है कि अगर जितना मेरा वीडियो है वो आप देख लिया, जितना न्यूमेरिकल मैं करवाता हूँ उतना कर लेते, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपके सिलेबस से, क्योंकि जितना रिक्वायरमेंट है आपका उससे एक स्टेप ऊपर पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इतना आप करते हैं इत्मीनान से, आप वीडियो देखिए, आपको लगता है कि फास्ट हो रहा है तो आप प्ले में जाइए और उसको स्पीड को सेट कर दिए, स्लो भी कर सकते हैं, फास्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ स्क्रीन शॉट लेने बोला गया है आपको वहाँ पॉज कर लीजिए, पॉज करके आप नोट कर लीजिए, धीरे धीरे नोट्स बनाइए, और इस तरीके से आपका पूरा नोट्स तैयार हो जाएगा। और जितना आपको ये पढ़ाया जा रहा है, अच्छा मान ले जाए आपको लगता है कि कुछ छूट गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ सकते हैं और वहाँ अपने क्वेरीज रख सकते हैं कि सर पर्टिकुलर ये क्वेश्चन समझा दो, उस पर वीडियो बना दूंगा, या फिर पर्टिकुलर ये क्वेश्चन है जो मुझे समझ में नहीं आया है उसको आपको सॉल्व करके भेज दिया जाएगा। तो किसी भी प्रकार का, जब भी आपको कोई नया क्वेश्चन दिखे तत्काल हम तक पहुंचाइए, ठीक है। और टेलीग्राम का लिंक जो है वो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां आप जुड़ जाइए और आपके जितने क्वेरीज